हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन को ससुराल को विदा करा ले गए हैं। 6 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में दूल्हा दुल्हन को 5 मिनट का लगा समय। संभल गन्नौर। हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन की विदाई की तस्वीरें गन्नौर थाना के कस्बा बबराला से सामने आई हैं, जहां एक बैंकेट हॉल में गांव भकरौली के अध्यापक रामराइस यादव के बेटे हृदेश यादव की शादी कल हुई। आज दुल्हन की विदाई थी, जिसके लिए उसके पिता ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। अग्नि के समक्ष 7 फेरों समेत सभी रस्में पूरी होने के बाद BRSBS कॉलेज ग्राउंड से हेलीकॉप्टर दूल्हा दुल्हन को लेकर गांव भकरौली को उड़ गया, जहां दूल्हे के घर के सामने खेत में बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। फिर ससुराल में दुल्हन की शानदार अगवानी हुई। हेलीकॉप्टर से विदाई पर दुल्हन खुशबू भी बेहद खुश है। दुल्हन ने खुशी साझा की। क्या है पूरा मामला, देखे रिपोर्ट में। बेटे की शादी हुई है, दुल्हन हेलीकॉप्टर से आई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, हमारे छोटे बेटे हृदय कुमार की शादी हुई है इस समय, और पुत्र वधु को हेलीकॉप्टर से विदा करा कर लाए हैं, और यहाँ से भकरौली से 5 किलोमीटर की दूरी है बबराला से, इतना सफ़र हेलीकॉप्टर ने तय किया, मात्र 5 किलोमीटर का। तो ये कहाँ से शादी हुई है वैसे, कहाँ के हैं बेटी वाले, क्या करते हैं बेटे? बेटी वाले रहने वाले तो मखदुमपुर हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर गांव पड़ता है, और इस समय उनका हाल निवास संगम विहार दिल्ली है। मतलब जैसा हमने देखा है आपके, इससे पहले भी 2 बेटों की शादी हुई है, दुल्हन हेलीकॉप्टर से लेकर आए, तो क्यों लेकर आते हैं हेलीकॉप्टर दुल्हन, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? हाँ, ये बात सच है, पहले भी 2 पुत्रों की शादी मैंने की है, उनमें भी दोनों पुत्रों की बहुएँ जो है हेलीकॉप्टर से विदा करा कर लाए हैं। और रीजन हमारी पत्नी है, उनकी इच्छा रहती है कि मेरे बेटों की शादी में जो है हेलीकॉप्टर से पुत्र वधुओं को विदा करा कर लाया जाए, उन्हीं के इच्छा अनुसार ये कार्य किया गया है। क्या नाम है आपका? कल आपकी शादी हुई है, हेलीकॉप्टर से आप आए हैं, कि कैसा लग रहा है सारा अनुभव? मुझे अच्छा लग रहा है सब कुछ, मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगी, पर ये जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि मैं पहली बार बैठूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई नहीं बैठा या मेरे गांव में भी कोई नहीं बैठा हुआ था, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सब सोच के, और मैं बैठी तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ मुझे ये सब देख के। अच्छा, तो ये सफ़र आपका बबराला से भकरौली करीब 6 किलोमीटर का है, तो कितना आपको समय लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में? 5 मिनट में हम लोग यहाँ पे आ गए थे।